दोस्तों, मैं आज आपको ऐसे 10 ऐतिहासिक सच्चाइयों को बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपको आश्चर्य होगा। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रेयर कंडीशन के साथ जन्म लेते हैं। ऐसे ही एला हार्पर एक अमेरिकन लड़की थी जिसका जन्म ही एक रेयर कंडीशन के साथ हुआ था। दरअसल इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि इस लड़की के घुटने गलत जगह से मुड़े हुए हैं, जो कि पीछे की तरफ से हैं। इस रेयर कंडीशन को कॉनिजेनिटल जेन्यू रिकर्वेटम कहा जाता है। ये केस पहली बार इस लड़की के साथ देखने को मिला और इस लड़की को बाद में कैमल गर्ल का नाम दिया गया, क्योंकि वो अपने हाथों और पैरों के सहारे चलती थी। आज से कई वर्षों पहले ही महिलाओं ने ये बता दिया था कि वो भी मर्दों वाले कामों को कर सकती हैं। दरअसल ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये एक फीमेल ट्रेन कंडक्टर की है जो कि लंदन में ली गई है। ये तस्वीर 1916 में ली गई थी। इस वक्त पहला विश्व युद्ध चल रहा था जिसमें पुरुष युद्ध के लिए गए थे और महिलाएं उस वक्त पुरुषों के लिए कई काम काज संभाल रही थी। हम कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते किसी के एक गलत स्टेटमेंट से किसी को शहर से बाहर कर दिया गया हो। जी हाँ, आज से 2455 साल पहले एक ग्रीक फिलोसोफर जिसका नाम एनेक्सागोरस था, उसके एक सिंपल स्टेटमेंट बोलने पर उसको एथेंस के शहर से ही बाहर निकाल दिया गया था। उसने बस इतना ही कहा था कि सूरज बस चमकता हुआ चक्र नहीं है बल्कि एक आग का बहुत बड़ा गोला है। ये मीनार आज झुका हुआ है। इसका निर्माण 1372 को हुआ था। दूर से देखने से प्रतीत होता है मानो कहीं गिर न जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल ये मीनार अभी नहीं झुका है, ये उसी वक्त से झुका है जब ये निर्मित किया जा रहा था। इसके झुकने की वजह ये सामने आई थी कि ये ऐसी सतह पे बनाई गई है जहाँ की मिट्टी बहुत ही सॉफ्ट थी। आज से कई वर्ष पहले चीन की औरतों में ये रिवाज था, वो बच्चे से ही अपने पांव बांध लेती थीं, क्योंकि वहाँ की औरतों का ऐसा मानना था कि महिलाओं के छोटे पांव ही ज्यादा आकर्षक लगते हैं। लेकिन इस प्रैक्टिस को 1911 में बैन कर दिया गया था। फिलेमोन, जो एक ग्रीक पोएट और प्ले राइट थे, उन्होंने अपने बनाए हुए जोक पर इतना हंसा कि उनकी मृत्यु हो गई। आज से करीबन 2500 साल पुरानी बात है जब बैटल ऑफ मैराथन चल रहा था। ये बैटल एंशिएंट ग्रीस के मैराथन शहर में चल रहा था। इस बैटल में ग्रीस विजय प्राप्त कर लेता है और एक शख्स जिसका नाम फेडिपिडीस था और ये शख्स खुशखबरी सुनाने के लिए एथेंस चला गया। इसने 42 किलोमीटर की दूरी केवल दौड़ के तय की थी और इसकी सांस फूलने की वजह से उसके एथेंस पहुँचते ही मौत हो गई। पर्सिया के बादशाह अब्दुल कसीम इस्माइल कहीं भी जाते थे तो वो अपने साथ हमेशा पूरी लाइब्रेरी ले जाते थे। बादशाह अपने 400 ऊँटों के साथ चला करते थे और वो कुल 117,000 किताबें ऊँट के सहारे लेकर चलते थे। उनका किताबों पर पूरा विश्वास था। उनका ऐसा मानना था कि अगर कोई मुसीबत आती है तो हमें ये किताबें कई रास्ते निकाल के देती हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जुलियाना नामक डॉग को ब्लू क्रॉस मेडल से सम्मानित इसीलिए किया गया क्योंकि उसने एक बॉम्ब को उसने पेशाब करके बुझा दिया था। 19वीं सदी में जब किसी को सिर दर्द करता था तो कुछ इस प्रकार से उनके सिर के दर्द को ठीक किया जाता था। ये तस्वीर 1890 के दशक की है।